वेलकम बैक फ्रेंड्स बेस्टी में। दोस्तों, मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग एक अनपढ़ गंवार के यहाँ नौकरी करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक अनपढ़ गंवार इंसान इतना बड़ा बन जाता है और बहुत पढ़ा लिखा इंसान बहुत तरक्की नहीं कर पाता है? अगर आप किसी अनपढ़ गंवार आदमी का मजाक बनाते हैं तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप ऐसा करना फौरन बंद कीजिए, क्योंकि याद रखिए लक्ष्मी की सवारी तो उल्लू होता है। ये तो थी मजाक की बात, पर क्या पता आपको एक दिन उसी अनपढ़ इंसान के अंडर में नौकरी करनी पड़ जाए। ये बात आपको थोड़ी अटपटी जरूर लगेगी कि दुनिया के सबसे अमीर लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। उनके पास डॉक्टरेट की, MBA की, MCA की, MTech जैसी डिग्रियां नहीं होती हैं, पर फिर भी हजार पढ़े लिखे लोगों के मालिक वो होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, गौतम अंबानी जैसे टॉप बिजनेसमैन हाई स्कूल भी पास नहीं कर सके हैं, पर फिर भी दुनिया के सबसे रईस लोगों की गिनती में इनका नाम शुमार होता है। देखिए, मेरी इस बात को आप अदरवाइज मत लीजिए कि कम पढ़ा लिखा इंसान ही जिंदगी में सक्सेस पाता है। दोस्तों, आप में से कई लोग मेरी बातों से अक्सर नाराज हो जाते हैं, पर मैं वही बात करता हूँ जिसके पीछे कोई लॉजिक होता है। एक पढ़ा लिखा इंसान भी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ता है, लेकिन बिजनेस जैसे फील्ड में सक्सेस ज्यादातर कम पढ़े लिखे लोग ही हासिल कर पाते हैं। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह होती है कि अनपढ़ इंसान एक पढ़े लिखे इंसान से ज्यादा रिस्क लेता है। एक पढ़े लिखे इंसान को तो कई बार सरकारी नौकरी मिल जाती है या फिर कॉर्पोरेट में भी वो एग्जीक्यूटिव बन सकता है, लेकिन अनपढ़ इंसान के पास तो बस रिस्क लेना ही एक ऑप्शन बचता है। उसे पता होता है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। ना तो उसकी नाक बहुत ज्यादा ऊंची होती है, ना उसे अपने पढ़ाई का घमंड होता है, और ना ही उसे किसी चीज का खौफ होता है, ना ही उसे इस बात का खौफ होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एक पढ़ा लिखा इंसान अक्सर ही एक अनपढ़ का मजाक उड़ाता है, और ये एक आग ऐसी होती है कि अनपढ़ इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। देखिए, एक अनपढ़ आदमी को इस बात की समझ नहीं होती कि लाइफ में फेलियर वर्ड क्या होता है। वो तो बस रिस्क टेकर होता है और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के फेर में नहीं पड़ता, पर एक पढ़ा लिखा इंसान तो एक एक कदम भी फूंक कर उठाता है। उसे ये डर हमेशा सताता रहता है कि अगर ये रिस्क ले लिया तो उसकी कहीं नौकरी तो खतरे में नहीं पड़ जाएगी। देखिए, एक कम पढ़ा लिखा इंसान हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ जीता है। एक अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे के मुकाबले कहीं ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है। उसके लाइफ में मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है इसका ऑप्शन नहीं होता है, जबकि पढ़े लिखे इंसान की नज़र हमेशा घड़ी की सुई पर ही रहती है, कब 6 बजे और काम बंद हो, जबकि पढ़ा लिखा इंसान थोड़ी में ही फंसा रहता है। यानी किताबी सक्सेस ही उसके लिए सब कुछ होती है। अनपढ़ इंसान बिजनेस में पैसे बहुत समझदारी से लगाता है। एक अनपढ़ इंसान में एक खासियत होती है कि वो बिजनेस में अपना पैसा बहुत समझदारी से लगाता है। उसे पता होता है कि अगर पैसे रिस्क में लगाए तो कभी ना कभी सक्सेस जरूर मिलेगी, जबकि पढ़ा लिखा इंसान नौकरी मिलने के बाद बेकार की शॉपिंग वगैरह, ईटिंग आउट एट वीकेंड्स, फैमिली वेकेशन जैसे चीजों को ही अपनी लाइफ का एक टारगेट मान बैठता है। अगर उसे कोई बिजनेस जैसी फील्ड में उतरने की सलाह दे तो वो बोल बैठता है कि टू मैनी EMIs कांट अलाउ हिम टू टेक रिस्क। एक अनपढ़ आदमी कई बार 15 या 16 साल की उम्र में ही बिजनेस करने में उतर जाता है और बिजनेस के बारे क्या सीख कर बड़ा बिजनेस बना लेता है। तो वही पढ़ा लिखा इंसान जिंदगी भर अपनी डिग्रियां ही हासिल करने में बहादुरी समझता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग एक अनपढ़ की रिस्पेक्ट करना जरूर सीख लेंगे, और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।